अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहमद हसन और आप लोग सहमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। था जिस शाहकार का इंतजार आ गया है वो आज, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आज बारबाडोस में खेला जाएगा। बड़ी बड़ी खबरें हैं जी फाइनल के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे। इससे पहले चैनल पर जो लोग पहली मरतबा आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 03009559827 पर मुझे दुनिया से कहीं भी कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब बवक्त मिलेगा। चलें आगाज करते हैं जनाब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आज मौसम की क्या अपडेट है? मौसम काफ़ी अच्छा है बारबाडोस का, और जैसा कि ICC के कवानीन के मुताबिक फाइनल हो या सेमीफाइनल हो मैच होना लाजमी है, और 10 ओवर मिनिमम होना लाजमी है ताकि मैच का जो रिजल्ट है वो पॉसिबल बनाया जा सके। अब बारबाडोस में जो रिकॉर्ड है वो इंडिया का बहुत अच्छा है, और वैसे भी इंडिया जब नॉकआउट स्टेजेस पे आता है तो चौक तो वो करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका भी बहुत बड़ी चौकर है। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ICC इवेंट में इस दफा पहली मरतबा ICC की हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले वो 8 सेमीफाइनल खेल चुका है, उनका 8वीं मरतबा उन्होंने फाइनल के लिए यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर प्लस फैक्टर ऑफ द मैच की बात करें जो प्लेयर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया के जैसे रोहित शर्मा और SKY स्काई सूर्या कुमार यादव, ये दो ऐसे बैटर्स हैं जो कि इंडिया की तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दोनों टीमों के लिए। रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में, और सूर्या कुमार यादव भी अच्छा बल्ला कुमार है। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और विराट कोहली के साथ उम्मीदें जुड़ी हैं इंडियन टीम की, इंडियन नेशन की और पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि जिस तरह का विराट कोहली का कैलिबर है, विराट कोहली ने अपने पोटेंशियल पर अभी उस तरह की परफॉर्मेंसेज इस वर्ल्ड कप में नहीं दिखाई, लेकिन जो इंडियन टीम का मोमेंटम जारी है, जो टेम्पो का चल रहा है, विराट कोहली कभी भी कहीं भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं और वो मैच को ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। फिर इंडियन टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, मुझे लगता है कि ये दो ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि इस मैच में इंडियन बॉलिंग का वो जिसे कहते हैं ना कि कुंभा बन सकते हैं, और साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ सकते हैं। ये दो ऐसे गेंदबाज हैं। अक्षर पटेल भी अच्छी फॉर्म में है, और जसप्रीत जो आपके इंडिया के रविंद्र जडेजा हैं उनका भी काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल बॉलिंग स्पेल होता है, और फिर इसमें स्टीव सिंह भी अच्छे बॉलर हैं। तो दो जो मेन इंडियन टीम की फतह के किरदार रहेंगे बॉलिंग में, मुझे लगता है कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, इनका जो बॉलिंग स्पेल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप के लिए, और इनको अटैक की बजाय डिफेंसिव शॉट्स खेलकर यानी इनके अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेशन करके साउथ अफ्रीका इस मैच में चल सकता है। साउथ अफ्रीका की ज़्यादा बात है, मुझे लगता है कि जो रबादा और शमसी हैं, रबादा जो उनके फास्ट बॉलर हैं और शमसी जो उनके स्पिनर हैं, इनका जो बॉलिंग स्पेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इंडियन बॉलर्स के लिए, क्योंकि लास्ट मैच में शमसी ने और नोकिया ने अगेंस्ट अफगानिस्तान बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, मार्को यंसन ने भी वहाँ पे अच्छी बॉलिंग दिखाई थी, लेकिन जो रबादा हैं और शमसी हैं ये काफ़ी डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं। बैटिंग की बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो मुझे लगता है कि जो कॉन्टिक डिकॉक है और क्लासन है, ये जो दो ऐसे बैटर हैं, किलर मिलर, ये तीन ऐसे बैटर हैं जो कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है उसके चार चांद लगा सके, और इस विकेट पे जो टॉस जीतेगा अगर वो पहले बैटिंग करता है तो मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 175 पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाने चाहिए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंडिया हो। इंडिया मुझे लगता है कि 120 से ऊपर जो भी टारगेट बोर्ड पे लगाएगा, साउथ अफ्रीका इस मैच में फंसेगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, इंडियन टीम पे भी प्रेशर है लेकिन साउथ अफ्रीका पे भी प्रेशर है, तो जो प्रेशर को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि T20 मैच में आपके पास 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट में जो टीम डोमिनेट करती है वो टीम मैच जीत जाती है। वेदर अच्छा है, और बारिश की अभी तक तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो मैच 10 ओवर का होना लाजमी है, और ICC के कवानीन के मुताबिक इस मैच के लिए कोई रिजर्व डेट नहीं रखा गया। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं वहाब रियाज, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट
रिपोर्ट जमा करा दी है जिसका जिक्र मैं बारहा अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ, और उस रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा खुल के बातें एक्सप्लेन नहीं की गई, कुछ खुल के वजाहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी, आपको याद होगा मीडिया में भी बातें चली कि मीट एंड ग्रीट्स चलते रहे, प्लेयर्स का मिलना जुलना चलता रहा, वही कवाली नाइट फ्लोरिडा में जब पाकिस्तान टीम ने क्याम किया था पहले मैच के लिए, वहाँ पे पाकिस्तान टीम ने का आना जाना था, रात के 12 बजे के बाद प्लेयर्स आते जाते थे। तो उन्होंने कहा, वहाब रियाज ने जो अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि हमने किसी पे भी पाबंदी नहीं लगाई थी कि भाई जान आप 12 बजे के बाद जा नहीं सकते, 12 बजे की डेडलाइन थी, उसके बाद अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसकी मर्जी। पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर कर दी। दूसरा, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पीसीबी को बताया है, वो उन्होंने ये बताया कि किस पे काम होना चाहिए था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि फिटनेस बेहतर करनी चाहिए थी, आप अनफिट प्लेयर्स को लेकर क्यों गए। वहाब रियाज से मैं सीधा सा ये सवाल करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मेरा ये सवाल है कि आपने इस रिपोर्ट में वो बातें क्यों नहीं डाली जो आप छुपा रहे हैं। आपने क्या छुपाया? आपने ये नहीं बताया कि आपने वहाब रियाज से, आपने शादाब खान से बाबर आजम ने ओवर क्यों नहीं कराया वर्ल्ड कप में, आपने शादाब खान को एज अ बैटर क्यों खिलाया, आपने किसी प्लेयर का बैकअप क्यों नहीं बनाया, आपने आपके कप्तान के लेम एक्सक्यूजेस क्यों आए, आपके कप्तान ने इंडिया के खिलाफ हार के ये क्यों कहा कि भाई अगर मैं कम स्कोर पे आउट हो गया तो बाकी क्यों नहीं कर सके, आपकी टीम में ये क्यों नहीं कहा जाता कि हमारे प्लेयर्स के अंदर यूनिटी नहीं है, आपने इस रिपोर्ट में क्यों यूनिटी की बात नहीं की। मीडिया को तो आपने ये लॉलीपॉप दिया हुआ है, आवाम को आपने ये लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हमारी टीम में यूनिटी नहीं है। तो भाई जान, आप इस तरह की हकायक क्यों छुपाते हैं? आपने ये रिपोर्ट जब पीसीबी को जमा कराई है, आपके साथ बाबर आजम की बात नहीं हुई? बाबर आजम ने आपको ये नहीं बताया कि पाकिस्तान टीम में क्या मसाले थे? एक तरह बाबर आजम ये बयान कर देते हैं कि जी मुझे पता है कि मेरी कप्तानी के खिलाफ कौन है, मुझे पता है कि कौन मेरे हक में है, कौन मेरे अगेंस्ट है। तो जब आपके सामने ये बातें मौजूद हैं तो आप क्यों नहीं लिखते इस रिपोर्ट में? आपने क्यों नहीं लिखा? वो जो आपके मंसूर राना साहब हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट जमा कराई है, उन्होंने भी धक्के छुपे अल्फाजों में सब कुछ बयान किया। लेकिन बात यह है कि इस तरह की रिपोर्टें जब आप देते हैं तो एक प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप चीज़ों को वाज़े तौर पर एक्सप्लेन करें, ताकि अवाम के सामने आपकी जो डिग्री है उसका पिंडोरा बॉक्स ओपन हो। ये जो 25-28 करोड़ अवाम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करती है, पाकिस्तानी क्रिकेटर से प्यार करती है। आपके जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट के प्लेयर हैं, वो 60-60 लाख रुपये महाना ले रहे हैं। बी कैटेगरी के प्लेयर 41 लाख रुपए महाना ले रहे हैं। पहली तारीख को उनके अकाउंट में तनख्वाहें आ जाती हैं, करते कराते कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस जीरो है, खेले ना खेले उनके अकाउंट में सैलरीज आ रही है। सी कैटेगरी के प्लेयर्स के 17 लाख रुपए उनके अकाउंट में महाना आ रहे हैं। सी कैटेगरी को तो आप किसी गिनती में ना ले, क्योंकि उनको तो आप खिलाते ही नहीं है। तो बात यह है कि आपको अब जवाब देना पड़ेगा, आपको अब स्टैंड लेना पड़ेगा। पीसीबी से मैं कहूँगा कि भाईजान मोहसिन नकवी साहब, आप जो है ना, आपके पास दो जोर दें, ठीक है, अब आप डिसीजन करें, अब आप एक्शन लें। आप जिस सर्जरी की बात करते हैं ना, पाकिस्तानी आवाम को जिस ट्रक की पट्टी के पीछे आपने लगाया हुआ है, बड़ी सर्जरी तो छोटी सर्जरी तो फलाना सर्जरी, अब आपको सर्जरी लेने के लिए अहल हैं, आप ले सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, हम आपको बैक करेंगे। मैं कहता हूँ आप उड़ा के रख दें इन सारे सिलेक्टर्स को, आप उड़ा के रख दें बाबर आजम की कप्तानी को, आप उड़ा के रख दें पूरी टीम को, नई टीम बनाएं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। जितनी आवाम मुझे देखती है, सुनती है, वो ट्रेंड चलाए सोशल मीडिया पे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हमें नई टीम चाहिए। जिस तरह 2017 में सरफराज को हमने कप्तान बनाया, उसको टीम दी, मिकी आर्थर टीम के साथ जुड़े, इंजमामुल हक सिलेक्टर्स हुए, उसके बाद आपने रेस्ट इज हिस्ट्री, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 में ना सिर्फ ऊपर गई, पाकिस्तान ODI में ऊपर गई, पाकिस्तान ने नंबर 1 T20 में बनी, बाबर पकल की ओपनिंग जो ही आई, सब कुछ आपने किया, अब भी आप कर सकते हैं। फर्क ये है कि आपकी इंटेंट वो नहीं है, डिफरेंस ये है कि आपकी नीयतों में फितूल है। तो जब आप अपनी नीयत साफ करेंगे, इंसाफ के साथ चलेंगे क्रिकेट बोर्ड को लेकर, क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी आएगी, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर होगा, आपके प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम ODI, T20 और टेस्ट फॉर्मेट में ऊपर जाती रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होती है, इजाजत दें आपको।